एक ऐसा अभिनेता जिनकी आवाज़ की लोग मजाक उड़ाया करते थे। एक ऐसा विलन जिन्होंने पहली फिल्म से ही इतिहास रच दिया। एक ऐसा एक्टर जिनके डायलॉग दुनिया आज भी दोहराती है। वो है फिल्म इंडस्ट्री के विलन गब्बर सिंह यानी अमजद खान। अमजद खान का जन्म 1940 को पेशावर में हुआ था। ये वो इलाका है जो पाकिस्तान में आता है। हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद इन्हें हिंदुस्तान आना पड़ा और फिर इनका परिवार मुंबई में आकर बस गया। इनके पिता फिल्म इंडस्ट्रीज में जाने माने अभिनेता थे। उनका नाम था जयंत जकारिया खान। फिल्मों में आने से पहले इनके पिता अलवर राजस्थान में पुलिस की नौकरी किया करते थे। आगे चलकर वो फिल्मों में आए और उनका नाम पड़ गया जयंत। अमजद खान की ऐतिहासिक फिल्म शोले के रिलीज होने से 2 महीने पहले ही इनके पिता का निधन हो गया। जयंत जी ने काफी अहम रोल निभाए थे। इनको देखकर प्रभावित होते थे अमजद खान। अपने पिता से वो ताउम्र एक्टिंग के गुण सीखते रहे। वो कहते थे मुझे किसी भी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है, मेरे ट्यूटर तो मेरे पिता ही जी हैं। इनकी माता भी इनको प्रेरित करती रहती थी और कहती थी बेटा तुम जरूर नाम कमाओगे, तुम घबराना नहीं। अमजद खान के 2 भाई थे, दोनों ही फिल्म इंडस्ट्रीज में भी काम करते थे। अमजद खान पहले नाटकों में काम किया करते थे। अमजद खान ने पहली फिल्म की नाजनी जो कि इनके पिताजी के साथ थी और इसमें इन्होंने एक चाइल्ड एक्टर का किरदार निभाया था। 17 साल में इन्होंने फिल्म की अब दिल्ली दूर नहीं हिंदुस्तान की कसम मूवी में इन्होंने पायलट की भूमिका निभाई थी। सलमान खान के पिता जब अमजद खान को एक जगह प्ले करते हुए देखा तब उन्हें विश्वास हो गया कि ये शोले के अमजद खान बन सकते हैं। अमजद खान का नाम गब्बर सिंह के लिए पहले नहीं था क्योंकि सिप्पी साहब ने पहले अमजद खान का रोल डैनी को देने की सोची थी, मगर डैनी के पास टाइम या डेट ना होने के कारण ये रोल अमजद खान को दे दिया गया। फिर ये रोल अमजद खान को मिला और आगे चलकर ये इतिहास बन गया। गब्बर का रोल निभाने के लिए संजीव कुमार भी तैयार थे, मगर सिप्पी साहब ने कहा कि आप ठाकुर ही बनिए, गब्बर का रोल अमजद खान ही करेंगे। अमजद खान डायलॉग डिलीवरी करते थे तो लोग उनकी हंसी उड़ाया करते थे। सभी लोग कहते थे ये लड़का संजीव कुमार, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन को कैसे टक्कर दे पाए। उस वक्त ऐसा भी लगने लगा था कि शायद इस फिल्म से अमजद खान को निकाल दिया जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। फिल्म से निकाले जाने के बाद अमजद खान परेशान रहने लगे थे। तब उन्होंने एक भाग्य देखने वाले से संपर्क किया और उसमें एक तोते के द्वारा इनका भाग्य का पर्चा खोला गया जिसमें लिखा था कि आप इतिहास रचोगे। हुआ भी यही, शोले का डाकू सबसे अलग डाकू बनकर आया। लेकिन इसके बाद भी अमजद खान अपनी आवाज को कोसते ही रहे। शुरुआत में शोले फिल्म चली नहीं थी, लोग सोच रहे थे ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। कुछ ही दिनों के बाद जोर पकड़ा फिल्म में कि चारों तरफ गब्बर सिंह का ही नाम सुनाई देने लगा। गब्बर सिंह का रोल निभाने के लिए अमजद खान ने जया बहादुरी के पिता द्वारा लिखी एक किताब को पढ़ा था, जिसको पढ़ने के बाद ये अपना रोल और अच्छे से निभा पाए और इनका रोल एक यादगार बन गया। फिल्म में आज भी लोग इनके रोल को दोहराते हैं। फिल्म में एक डायलॉग था कितने आदमी थे, इस डायलॉग को लेकर भी एक किस्सा बड़ा मशहूर है। अमजद खान का ये डायलॉग कितने आदमी थे एक ही टेक में हो गया, मगर अमजद खान को संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने इस डायलॉग को दोबारा प्ले करने को कहा। तब एक के बाद एक 40 रिटेक के बाद सीन फाइनल हुआ। आगे चलकर ये डायलॉग मशहूर हो गया, जिसे कई न्यूज में दोहराया गया, कई प्ले में दोहराया गया और आज भी दोहराया जाता है। और फिर पार्ले जी का एडवर्टाइज करने के लिए इन्हें ऑफर मिला। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी विलन को किसी एडवर्टाइज के लिए ऑफर दिया गया और ये एडवर्टाइज भी बहुत फेमस हुआ। गब्बर सिंह की पहली पसंद पार्ले जी। अमजद खान एक बार कार से जा रहे थे तभी इनका एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया था, इनकी कई पसलियां टूट गई थी। धीरे धीरे ये दोबारा रिकवर हुए और फिर से एक्टिंग की दुनिया में आ गए। अमजद खान ने कहा कि मुझे अल्लाह ने ये सजा दी है, जब शोले फिल्म बन रही थी तब मैं अल्लाह से कहा करता था ये फिल्म मेरी हिट करा दो, मैं दोबारा से फिल्में नहीं करूंगा, मगर मैंने उनका वादा तोड़ा और मुझे ये सजा मिली। और धीरे धीरे वो मोटे होते चले गए। इन्होंने विलेन, कॉमेडियन, पिता सभी तरह के रोल निभाए। फिल्म रामगढ़ के शोले में ये दोबारा गब्बर बने। इनकी शादी सैला खान से हुई थी। जिस साल इनके बेटे सादाब का जन्म हुआ था उसी साल इन्हें शोले फिल्म मिली थी। सादाब इस प्रकार इनके लिए लकी साबित हुए। अमजद खान को चाय पीने का बहुत शौक था, ये एक घंटे में 10-10 चाय पी जाया करते थे। कभी भी इन्हें कोई चाय के लिए पूछता था तो ये कभी मना नहीं करते थे। 1992 में गब्बर की आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई। 51 साल की उम्र में हार्ट फेल हो गए। ऐसे शानदार विलेन को सत सत नमन। आज अमजद खान होते तो यही बोलते, अरे ओ श्यामा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें।